हर दिल में ठानी है, हर दिल में ठानी है, सफाई गांव में लानी है। अब काम करेंगे बात नहीं, साफ नहीं तो माफ नहीं। भीड़ में हाथियों को देखने ना जाए, भीड़ में हाथियों को देखने ना जाए, छोटे बच्चों को लेकर हाथियों को देखने कदापि ना जाए। कृपया कर हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करें। तेज आवाज के फटाके हाथियों को परेशान करती है और ये हाथी हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। कृपया कर दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करें और न केवल अपनी जान माल की रक्षा करें, इसके साथ साथ आसपास के लोगों को भी रक्षा करें। हाथियों को देखने पर आप जरूर वन विभाग के अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। हाथियों को पहले से न छेड़े, वन विभाग के अधिकारियों को सूचित करें। गांव में हाथी देखकर लाल चटकदार कपड़े पहनकर उसके आसपास कभी न जाए। लाल चटकदार कपड़े जो है हाथी के लिए खतरे की निशानी है। अगर हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि लाल चटकदार कपड़े पहनकर हाथियों के पास कभी न जाए, पेड़ पर चढ़कर हाथियों को देखने की कोशिश न करें, छोटे बच्चों को हाथियों के पास न भेजें, हाथियों को भगाने के लिए गुलेल पत्थर फेंककर तीर कमान का उपयोग कदापि न करें, इससे हाथी और हिंसक होता है और आपका आवास क्षेत्र की ओर जाता है। जंगलों को काटने के कारण से उनका आवास क्षेत्र जो है वो खत्म होता है, उसके कारण से ये जंगली जानवर जो है अपने भोजन के लिए हमारे गांव की तरफ आते हैं। मोबाइल लेकर फोटो खींचने के लिए हाथी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये है, जैसे ही हम जानवरों को देखें हम तुरंत वन रक्षकों को सूचित करें। कौवा और शराब घर पर ना बनाए। कौवे की गंध से हाथी आपकी तरफ आएंगे और आपका प्रहार करेंगे। कृपया कर वन विभाग द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का उचित पालन कर स्वयं की रक्षा करें, अपने बच्चों की रक्षा करें। फसलों के नुकसान होने पर आप कृपया कर वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें और उचित नशे की हालत में कभी भी हाथियों को देखने के लिए ना जाए। नशे की हालत में अगर आप हाथियों को देखने जाएंगे तो हाथी हिंसक होकर आप पर प्रहार करेगा। हाथी को गुलेल और तीर कमान से ना मारे, हाथियों को गुलेल और तीर कमान से ना मारे। स्वयं न भिड़े, हाथियों से जाकर स्वयं न भिड़े, इससे दूरी बनाकर रखे। वन विभाग द्वारा हाथी प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है, अतः इन नियमों का पालन कर आप स्वयं की रक्षा करें और अपने जन्मदिन की भी रक्षा करें। हमारा प्रयास एक खुशहाल जीवन। Let's go!
प्रतापपुर विकासखंड पूरे प्रदेश में आंधी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे गन्ना की मिल है, इस कारण से किसान गन्ने का बहुत उत्पादन करते हैं और साल भर पूरी फसल लगी रहती है। इस नाते हाथी यहाँ पे पूरे साल भर रहते हैं और उससे जनहानि, फसल हानि और मकानों को क्षति पहुँचती है। तो उसमें हमारा मकसद मेन ये है कि गांव वालों को जो जन हानि होती है उसको अपन कम से कम करें और हाथी के प्रभाव के क्षेत्र को कम करें। तो उसके लिए हम यहां पे जन जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं, उसके तहत ये टीम यहां पे आई हुई है। ये भारत माता स्कूल के बच्चे हैं बिलासपुर के और नेचर बॉडी बिलासपुर के नेतृत्व में ये लोग यहाँ पे प्रमुख प्रमुख स्थलों पर का इम्पैक्ट होगा। वहां पे लगभग 3 जगहों पे अभी पिछले 2 दिनों से इन लोग प्रशिक्षण का कार्यक्रम किए हैं, इससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और गांव वाले बहुत रुचि से इसको एक नाटिका के रूप में देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा।